पंडितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुर मेढमुसद केवली प्रणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि जगज्जनों की दृष्टिवत सुपरफिशियल ऊपरी ऊपरी नहीं होती है। जगज्जन चर्म की चक्षु से देखते हैं, ज्ञानीजन आगम की चक्षु से देखते हैं, अंतरों को भेद कर समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर से सब एक सरीके दिख रहे हैं, लेकिन उनका एक्सरे लिया जाए तो सबका एक एक नस अलग अलग दिखे। भोगों की प्रवृत्ति कदाचित ज्ञानियों में देखने में आ भी जाए, उनका लगाव कुछ नहीं है, अब उनके दिखावे पर मत जाना। कुछ गलती कुछ दोष भी उनके देखने में आए आप अपवाद न कर बैठना। अरे वे स्वयं उसको टोकते हैं, स्वयं आपके टोकने की आवश्यकता कहाँ है उनके लिए, तभी तो वे ज्ञानी है। अमित गति आचार्य ने बहुत अच्छा एक छंद लिखा, वने विदोषा प्रभवन्ति रागिनाम। रागी वन जंगल में जाकर भी वहां पर दोष पैदा करता है, जहां पर भी जाएगा महाभारत खड़ी करेगा। गिरी पहाड़ आश्रय उपाश्रय के नाम पर 10-20 मठ खड़ा करेगा और सोचेगा कहीं ना कहीं हमारा ठिकाना मिले, और फिर श्रावकों के सामने खड़ा इस दृष्टि में देखने में आता है। वने विदोषा प्रभवन्ति रागिनाम, जंगल में गया है और वहां पर भी दोष पैदा कर सकता है। गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तपः, और दूसरी तरफ देखो तो घर में रहकर कोई पंचेंद्रिय का निग्रह करके तप को अंगीकार करता है। आगे और एक लाइन लिखते हैं, निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। जिनका राग निवृत्त तो हो गया है उनके लिए घर तपोवन ही है। दिखावे पे मत जाओ, अकल से काम। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान्, अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। सम्मत भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं। श्रावकाचार्य में तो आचरण की प्रतिष्ठा होना चाहिए ना, अध्यात्म में तो कोई नहीं पूछता बाहर की क्रियाओं को, अध्यात्म में तो आपका भाव देखा जाता है। चरणानुयोग में तो प्रतिष्ठा होना चाहिए ना क्रियाओं की, समन भद्र स्वामी ने वहां पर भी नोट लगा दिया। गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ, वह गृहस्थ भी मोक्ष मार्गस्थ है जो मोह से रहित है। नहीं वो मोहवान अनगारो गृही श्रेयान, उस मुनि से जो मोही है उससे भी ये बेहतर आदमी है। बेहतर क्या,
कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना, कंपैरिजन करना ही बेकार है। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि निर्मोहता श्रेष्ठ है। कल हमने कहा था, देखिए जो जीव ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थित है वो स्व समय है, जो बगले झांकता है या हवा ताक झांक करता है पर में मूर्छा रखता है वह पर समय है। कल इसकी भी सिद्धि हुई, ज्ञानियों के जितने भी पुण्य फल है उसमें वे लालयित नहीं रहते हैं, भुगतते हैं। कल काफी चर्चा चली। सूत्र कृतांग नाम का एक शास्त्र श्वेतांबर साहित्य में माना गया है। सूत्र कृतांग, हम दिगंबरों ने अंग माना है उसे, श्वेतांबर साहित्य उसको एक ग्रंथ के रूप में आज भी उसको मानता है। सूत्र कृतांग देवकरण मुनि हुए है, अपने नाम सुना हो, देवकरण मुनि श्वेतांबर संप्रदाय के। एक बार अध्ययन करते करते सूत्र कृतांग के वीराध्ययन का कोई प्रकरण पढ़ने लग गए। पढ़ते पढ़ते उनको दो गाथाएं मिली, श्लोक मिले दो श्लोक। वे श्लोक कुछ इस प्रकार थे, जे अबुद्धा महाभागा वीरा असम्मत दंसिनो। आप अर्थ को समझते जाओ, मेरा काम हल्का होगा। जे अबुद्धा महाभागा वीरा असम्मत दंसिनो अशुद्धम तेसिम प्रकंतम सफलो होई सवसो। कुछ कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, समझने का कुछ प्रयास कर रहे हैं आप लोग। यहां पर यह कहा जा रहा है जे अबुद्ध जीव है, महा अभागे जीव है, वे असम्मतम मिथ्या दृष्टि है, अशुद्ध है वे, और उनके सभी कार्य सफल होते हैं। नेक्स्ट, जे बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत दंसिनो शुद्धम ते सिंपरकंतम अफलम होई सवसो। समझ में तो यह आ गया होगा अभी, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे नहीं, क्या प्रॉब्लम बताओ बताओ, इसमें नहीं आ सकेगा। अर्थ अर्थ, जे बुद्धिमान जीव है वे सम्यक दृष्टि है, वे शुद्ध जीव है और उनके सभी कार्य निष्फल होते हैं। आपको अटपटा तो लगा ही होगा ना, लगा नहीं लग रहा है? तो देवकरण मुनि ने क्या किया, उन गाथाओं को फेरफार कर दिया, गाथाओं के एक शब्द को सफलो और अफलो। ज्ञानी की क्रिया है, अफल कैसे हो सकती है, असफल कैसे हो सकती है? ज्ञानी के कार्य तो सफल होते हैं, अज्ञानी के कार्य अफल होने चाहिए। जब श्रीमद जी विचरते विचरते वहां पर आए तो श्रीमद जी के सामने बड़े ठाट में गए और बोले, मैंने जिनादम का कोई दोष निकाला है, थोड़ा सुधार किया है, मैं चाहता था आपको भी इसका ज्ञान हो जाए। क्या किया है आपने? बोले ये किया है। यहां पर यह लिखा था ज्ञानी की सभी क्रियाएं असफल अफल होती है, अफल, और अज्ञानी की सभी क्रियाएं सफल होती है, मैंने चेंज किया। श्रीमद जी ने उनको समझाया ये ठीक नहीं किया, तुम्हारे समझ में खोट है, बल्कि ज्ञानी की सभी क्रियाएं अफल ही होती है, अज्ञानी की सभी क्रियाएं सफल होती है। मतलब हर इवेंट में वे राग द्वेष करके नया बीज बोकर फल के लिए फिर तैयार होते हैं, और ज्ञानी नया बीज नहीं बोता है, उनकी सभी क्रियाएं अफल होती है, नए फल देने को समर्थ नहीं होती। जी महाराज, आज हमको रहस्य का पता चला। विचार करना, मैं समय सार की थोड़ी सी जिस्ट दे रहा हूं आपको, से इसेंस दे रहा हूं। सभी जन वही कार्य करते देखे जाते,
ज्ञानियों को बाइज्जत तरीके किया देखा जाता है, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ये कैसा पक्षपात है। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, एक बीड़ी पीने वाला आदमी, घबराना नहीं, मेरे साथ चलना, अभी बीच में कोई नहीं बोलना, बीड़ी पीने वाला आदमी 10-5 बोगियों को हिला देता है, आप समझ गए होंगे, 10-5 बोगियों तक उसका प्रभाव देखने में आता है, कोई बीड़ी पी रहा है आदमी यहां पर, और वो बड़ी बेचैनी महसूस करते हैं, और वो स्वयं बीड़ी पीता हुआ बहुत चैन से अपना अपना काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं, उसको असर नहीं करती है वो बीड़ी। एक भोगता हुआ नहीं भोगता, नहीं भोगते हुए भोगते हैं, इतनी तक बात नहीं है, उनको कैंसर तक हो सकता है, और पीने वाला कैंसर वैंसर कुछ नहीं हो सकता उसको, ऐसा भी हो सकता है, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए। पीने वाला भोगने वाला नहीं भोगता, और नहीं भोगने वाला भोगता है। पुतना जानते हो, पुतना, पुतना महाभारत की पुतना, पुतना को भेजा गया कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए पुतना को भेजा गया, पुतना को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, सबको दूध पिलाना जहर युक्त, आप समझ गए होंगे, सभी जन्म मरण को प्राप्त हुए, वह ज्ञानी उसी चीज का सेवन करता हुआ मरण को प्राप्त नहीं होता, आप सब समझ रहे हैं। ये उदाहरण बाहर के हुए, अपने जैनाचार्यों को विचारो, कुन स्वामी को, शराब पीता हुआ भी जिसके दिमाग में ये नहीं है कि ये शराब है और ये पीने लायक है, दिमाग में पक्की है ये शराब है ही नहीं, ये अच्छी चीज लाई है सामने वाले ने, भला कोई ऐसा धोखा कैसे कर सकता है, और शराब बिल्कुल पीने लायक नहीं है, बराबर श्रद्धान है, उसको शराब नहीं चढ़ती। गाता है अपने कुन स्वामी की गाता है, इसलिए मैंने कहा बोलो मत, मुझे बोलने दो। और एक गाथा ली उन्होंने, कोई विश्ववैद्य जहर का सेवन करते हुए मरण को प्राप्त नहीं होता, वही जहर दसों को खिलाओ और विश्ववैद्य उसी को खाए, विश्ववैद्य तो नहीं मरता, और वही शराब 25 जन को पिलाओ जिसको ठाम विश्वास है ये शराब नहीं हो सकती, उसको नहीं चढ़ती। भोगता हुआ नहीं भोगता, नहीं भोगता हुआ भोगता है, ज्ञानी इन्हीं क्रियाकलापों में है, यही सब करता है, व्यापार धंधा अपने जैसी लाइफस्टाइल है उसकी, ऐसा होने पर भी वो अंदर से जुड़ान नहीं है उसका, वो टूट गए अंदर से, क्रियाओं पर मत जाओ, प्रवृत्तियों पर मत जाओ, उसके अभिप्राय को परखो। सम्यक ज्ञान चंद्रिका का एक प्रकरण चल रहा था, प्रकरण चलते हुए श्रीमद जी ये कह रहे थे, शंकाकार ने वहां पर भी थोड़ा सा बवाल मचाया, सामने वाले का ये कहना है पंडित जी को कि ज्ञानी भी तो भोग भोगते हैं, तो श्रीमद जी कहते नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है, अब क्या बात करते हो आप, पूरी सेना एक कोर तक नहीं पहचान पाती, आप जानते हैं ना, चक्रवर्ती का एक लड्डू, चक्रवर्ती पूरा लड्डू खा जाए उसका एक कोर पूरा कटक भी नहीं पचा सकता, इतना गरिष्ठ भोजन करता है ये, क्या खाक ब्रह्मचर्य रहेगा इसका। और इनके मेनू सेट की क्या कहे, रोजाना टीम्स अलग अलग है, 365 दिन 365 टीम्स है इनकी सेट, क्या इनके ठाट क्या है। टोडरमल जी को किसी ने कहा भाई कैसा ही है, टोडरमल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, अरे अरे बाबा उनके चरित्र मुखो उदय चल रहा है, ये बाहर से नहीं समझ सकते हम भी ऐसा ही कहेंगे, क्या कह रहा है अज्ञानी, हम भी ऐसा ही कहेंगे फिर हमारे चरित्र मुखो उदय है। पंडित जी साहब कहते हैं बाबा कहने मात्र से कुछ नहीं होता, और तेरे को पूछा किसने, रे मूर्ख, पंडित जी साहब की भाषा, रे मूर्ख, फल तो अभिप्राय का लगता है, कहने से कुछ नहीं होता, वे जानते हैं उनके अंदर की बात, कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति द्रव्य संग्रह की टीका, क्या ज्ञानी जन भोग भोगते हुए देखने में आते हैं, ब्रह्मदेव सूर्य उसका अर्थ लिखते हैं, कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति उनकी हालत होती है,
क्या समझ में आ गया? कोतवाल ने किसी चोर को पकड़ लिया चोरी करते हुए, गधे पर बिठा कर मुंह काला करके गांव में घुमाया जा रहा है। अब कैसे घूमेगा वो? सीना तान के या हवा देखते हुए कि गर्दन नीचे झुका कर? क्या पोज होगी उसकी? यार कुछ तो बताओ। ज्ञानी भोगता है किस प्रकार? कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति। ही इज फीलिंग अशेम्ड, ही इज नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। करना पड़ता है, शिथिलाचारी जीवों को प्रवचन में आना पड़ता है, उनके लिए गृहस्थी करनी पड़ती है, पत्नी को अभी भोगना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, और तुम लोगों को प्रवचन में आना पड़ता है, भक्ति में आना पड़ता है, जाना पड़ता है। आप समझ रहे? कल का प्रकरण चला है, दृष्टि का फेर है सब, आगे बढ़ना है, नया प्रकरण चलेगा, नया प्रकरण टीका की तरफ बढ़ेगा। एक बार गाथा का पाठ कर लिया जाए, गाथा होगी, एक बार पढ़ लीजिए। जीवो चरित दंसन नानठि दो तम हिस समयम जान ओ कल कम पदे सम जान। आपने ठीक नहीं बोला, मैं बोलता हूं, सुनिए। जीवो चरित दंसन नानठि दो तम इस समयम जान पोगल कम पदेश थिदंच तम जान पर समय। थिदंच उस तरफ लेना है, इस तरफ नहीं लेना है। लिखा क्या जाता है उसकी बात नहीं हुआ करती, सिंपल बात थी, स्व समय और पर समय की बात चल रही है। आपने हमको वादा किया था, बच्चे क्या बात है, चैतन्यार्थी मेरे भैया, आपको थोड़ी सी नींद आ रही, फ्रेश करना है तुमको, फ्रेश करो थोड़ा सा। आपने वादा ये किया था कि हम आपको समय सार दिखाएंगे, समय सार दिखाएंगे, ऐसा वादा किया था। चलो ठीक है, हमने इतने में तो बर्दाश्त कर लिया था, फिर अंदर दिखाने ले गए तो क्या दिखाया आपने? स्व समय पर समय, ये चीज दिखाई दी। सब समझ रहे बहुत अच्छे से? मैं उसको खोलने वाला हूं। वादा क्या किया था बोलो भैया, वादा क्या किया था? समय सार, आप सत्य महाव्रती होते हैं, हमने ये सुना है, आपने वादा किया था समय सार दिखाने का, और आप दूसरी ही गाथा में पलट गए और स्व समय पर समय कहने लग गए, क्या बात है? देखो, किसी ने कहा आम क्या चीज होती है, चलो मार्केट में लेके चलते हैं, भैया इसको दिखाओ, आम आम चाहिए इसको। हाँ बोलो भैया, तुम्हें हापुस चाहिए, हापुस समझते हो ना, मुंबई तो पास में है ना, यहां से महाराष्ट्र की उपज है ये पूरी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अल्फांसो चाहिए कि तुम्हें बादामी चाहिए, क्या चाहिए? हमने कहा आम दिखाओ और तुमने कहा ये बादामी और ये अल्फांसो। हमने कहा आम देखना है और तुमने क्या दिखाया? ये अल्फांसो है, ये बादामी है। बाबा ऐसा आम थोड़ी दिख सकता है बिना अल्फांसो और बिना बादामी के और बिना कलमी के और बिना आदि के। वो तो दिखेगा तो किसी ना किसी रूप। मार्केट में मात्र आम नहीं मिलता, मार्केट में जब भी आम मिलेगा बादामी कलमी के रूप में ही मिलेगा। आंखों से देखने में आम नहीं देख सकते, ज्ञान से आम को अनुभव कर सकते हैं। आम सामान्य की बात चल रही है। जब भी सोना दिखेगा कुंडल हार मुकुट रूप ही दिखेगा, अथवा बिस्किट ब्रिक रूप दिख सकता है, स्वर्ण तो मात्र दिख नहीं सकता, आंखों से ज्ञान से अनुभव में आ सकता है। आप सब समझ रहे हैं? विश्व में दो प्रकार के चावल बनने की कोई दो प्रकार की फसल नहीं हुआ करती। दो दिन पहले बात हुई है रात्रि में आपने, विश्व में कल ही रात्रि में परसों रात्रि में, विश्व में दो प्रकार के चावल की फसल नहीं है,
एक छिलके वाला और बिना छिलके वाला, ऐसी दो फसल नहीं हुआ करती। जब भी चावल उगेगा वो छिलके के साथ ही होगा, बाद में तुम छिलका हटा लेना। बिना छिलके की उपज कभी नहीं हो सकती। बिना पर्याय का द्रव्य विश्व में एग्जिस्ट नहीं करता, बिना पर्याय का द्रव्य विश्व में विद्यमान नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो पर्याय को गौण करके ध्रुव को मुख्य कर सकते हो। नयों का यही काम है, मुख्य करना और गौण करना। कभी पर्याय मुख्य होगी, कभी द्रव्य मुख्य होगा। द्रव्य मतलब ध्रुव, अभी अभी मैं खोलने वाला हूं। कभी पर्याय मुख्य होगी, कभी ध्रुव मुख्य होगा। वो तो तुमको जिसको मुख्य करना है कर सकते हो। द्रव्य में सभी अंश है, ध्रुव अंश भी है और पर्यांश भी है। दिखाया जा रहा है स्व समय पर समय। आचार्यों को ये लगा समयसार दिखाने के पहले, समयसार ऐसा तो कोई अलग वस्तु है नहीं, वो तो समयसार तो समय में से ही, स्व समय पर से पर समय में ही व्याप्त एक वस्तु होती है, उसको ज्ञान से देखना पड़ता है। कुंडल हार मुकुट में व्याप्त स्वर्ण तो को अनुभव करना पड़ता है ज्ञान से। सोना कोई अलग चीज नहीं हुआ करती मार्केट में, ये कुंडल है और ये सोना है, ये हार है और ये सोना है, ऐसा नहीं होता। सोना जब भी होगा कोई ना कोई पर्याय लिए हुए ही होगा। वो ये हार अलग, ये सोना अलग, ऐसे सोने के हार में से दिखाई नहीं जा सकता, देखा जा सकता है आंखों से नहीं ज्ञान से। समझ में आ रहा होगा आपको। उस जमाने में भी ऐसे कोई लोग होंगे जो वस्तु को द्रव्य को सर्वथा नित्य कूटस्थ मानते होंगे। विकल्प एक आया, हम समयसार का पूरा विषय वस्तु बताने वाले हैं और समयसार की आत्मा और वैदिकों की आत्मा, सांख्यों की आत्मा एक ही है। क्या कहा, कुछ समझ में आता है? सांख्यों की आत्मा, हम जैनियों की आत्मा, वैदिकों की आत्मा एक ही है। उनका आत्मा भी राग द्वेष नहीं करता, हमारा आत्मा भी राग द्वेष नहीं करता। जैनियों की मतलब समयसार की आत्मा, सॉरी जैनी शब्द हटा दो। आप समझ रहे हैं, समयसार की आत्मा और वैदिकों की सांख्यों की आत्मा एक शरीर की है, पर्याय से रहित, क्रोध मान माय लोभ से रहित। पकड़ रहे हैं? लेकिन समयसार की जो आत्मा है वो विशिष्ट एंगल से देखी गई है, वस्तु सर्वथा वैसी नहीं हुआ करती। आचार्यों को ये लगा इसका नॉलेज पहले कराया जाना जरूरी है, अन्यथा अन्य प्रसंग होने का, अन्य मत होने का प्रसंग बन सकता है। पर्याय वाली आत्मा पहले दिखाई जानी चाहिए, फिर बाद में गौण किया जाएगा। समझ में आया? प्रश्न नदी, झील, तालाब, बांध, समुद्र, इसमें और चीज क्या है? और समझते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी आपके ही गुणगान चल रहे थे क्या? ये आपके गुणों के गुणगान है। समझ में आया? आप में जो अच्छाई है, आपका जो डेडिकेशन है जिनवानी के प्रति, उस डेडिकेशन को सलूट है। तो ये डेडिकेशन हमारा टूटना नहीं चाहिए। यहाँ से कमरे तक जाते जाते 25 जन मुझे जय जिनेंद्र करते हैं, वो इस चमड़े के टुकड़े को नहीं करते। वो जो मेरा डिवोशन है जिनवानी के प्रति, उस डिवोशन को उनका सबका सलूट है। और जिस दिन यहाँ से जुड़ान टूट जाएगा मेरा, उस दिन कोई शर्त नहीं। ये जय जिनेंद्र हमारे रुझान से बंधा है, यह हमारे ऊपर है, हमें कितने जन कैसे ट्रीट करें, यह कह कहकर नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, वैसे क्या बात चल रही थी, इसमें और चीज क्या है? और चीज समझ में आता है? जैसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद्र स्वामी, जयसेन स्वामी, पंडित दौलत राम जी, इसमें और चीज क्या है? पंडित दौलत राम जी। और चीज मतलब हटकर ये आचार्य मुनि परंपरा है, ये विद्वान परंपरा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है, झील, तालाब, नदी, बांध, समुद्र,
नहर, इसमें कुआ, कितनी चीजें कही मैंने, 6-7 चीजें कही, 7। इसमें और चीज क्या है आपको बताना है, क्या है? कुआ भी मैंने ले लिया है अभी, है ना, नहर भी ले ली है मैंने, इसमें और चीज क्या है बोलो भैया? हाँ, समुद्र बड़ा होता है ना, इसमें और चीज है नदी, ऐसा क्या है नदी में? सुनो, नदी ना पानी का अभाव है, ना पानी का समूह मात्र है, नदी तो बहता हुआ पानी है, समझ में आया? तालाब पानी का समूह मात्र है, झील पानी का समूह मात्र है, पॉन्ड एंड लेक ये दोनों समूह मात्र है, एक सरोवर भी होता है, एक बांध भी होता है, बांध का तो इतना ही फर्क है वो आर्टिफिशियली रोका गया पानी, लेकिन रुका हुआ पानी तो दोनों है, तालाब का भी और बांध का भी, सबके पानी रुके हैं, देख लेना आप, समुद्र का भी पानी रुका है। अब हावड़ा ब्रिज पर चढ़कर देखेंगे, क्या कहा, हावड़ा ब्रिज समझ में आ रहा है? वेर इज इट लोकेटेड? कलकत्ता। कलकत्ता में गए हो? गए हो, मेरे जैसे ही हो मतलब तुम, मैं थोड़ी ना गया, जाना थोड़ी पड़ता है अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, सामर्थ्यशाली हमारा ज्ञान। यहां पर बैठकर हावड़ा ब्रिज पर जो खड़ा रहा होगा कभी, उसने एक तरफ देखा होगा और दूसरी तरफ देखा होगा, उसको दो सीन दिखाई दे सकते हैं, नहीं समझे? गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली पूरी गंगा है, खाड़ी के मिलने के एक पॉइंट पहले तक वो नदी संज्ञा है, खाड़ी के बाद दैट इज नॉट अ रिवर एनीमोर नाउ, वो खाड़ी है बस, दैट्स ऑल। क्या कहना चाहता हूं, बहते हुए पानी को नदी कहते हैं, मैंने पर्पसली ये बात कही है। आचार्य देव हमको स्व समय पर समय दिखा रहे, आचार्य कहते पहले प्रमाण का द्रव्य तो दिखाया जाए, फिर कौन से नए से कौन सी वस्तु देखना है बाद में देखा जाएगा, बहते हुए द्रव्य की पहले बात करते हैं, उसमें बहने के लिए नहीं करते हैं, जानकारी देने के लिए कर रहे हैं, जानकारी तो हमको सब कुछ पहले देनी पड़ेगी, आप सब समझ रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं? पीछे आवाज आ रही है, पीछे आ रही है, ओके। मैं खनियादान गया, वहां पर मेरा बहुत सौभाग्य रहा, 8 साल कुआ भी था वहां पर, कुएं के पानी का बराबर संयम पलता रहा। जब हम नए गए वहां पर, तब हमारी मुक्ति 3-4 साल की होनी चाहिए ऐसा लग रहा, तब मैं पहले दिन मुक्ति को हाथ पकड़ पकड़ कर कुएं के पास लेके गया, गेट खोल के और पास में, बेटा ये है कुआ, ऐसा उसको दिखाया पहले दिन। उसको पता भी नहीं था ये कुआ क्या चीज है और यहां पर कुछ कुआ होता होगा, हालांकि स्कूल वहीं पर है, बस स्कूल वहीं पर है, थोड़ा आगे बढ़े गेट है, गेट थोड़ा सा खुल जाए अथवा खुला रहे बाय चांस तो कुआ है। प्रश्न ये हो सकता है जब कुएं का ज्ञान ही नहीं है तो कराया क्यों फिर कुएं का ज्ञान, ताकि यहां पर गलती से ना आए, ज्ञान कराना जरूरी है। और फिर कुआ को देखकर दिखाया मैंने, बेटा यहां पर बाय चांस आओगी 3-4 साल की होगी और फिर यहां पर यदि गिर जाओगे, जैन शासन तो पहले गया तुम्हारा, क्या कहा, दुर्लभता से, माँ बाप कोई दुर्लभता से मिलते थोड़ी है, माँ बाप तो वैसे ही मिल जाते हैं, पैदा हुआ है मतलब बिना माँ बाप के थोड़ी हुआ है, माँ बाप मिलना दुर्लभ नहीं है। हाँ, जिनवानी का ज्ञान कराने वाले माँ बाप तो दुर्लभ है ही। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, बोलो बोलो अच्छे से कोई एकाद, हाँ फिर आप चुप रहो मुझे याद कर लो, न शोभते सभा मध्ये ये तो क्या है, हंस मध्ये यथा बपर, समझ में आ गया? कोई रिपीट करोगे, रिपीट करोगे नहीं करोगे, आप करोगे? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये
हंस मध्ये यथापकः। अभी तो समझ में आ गया, वो माँ शत्रु है, वे पिता बैरी है, जिन्होंने बच्चों को तत्व ज्ञान नहीं कराया। क्योंकि जिस प्रकार हंस के समूह में कव्वे शोभा नहीं पाते, वैसे ज्ञानियों के समूह में ये तुम्हारे बच्चे कभी शोभा नहीं पाएंगे। वे माता पिता धन्य है जिन्होंने बच्चों को इस योग्य बनाया कि बच्चे फर्स्ट बेंच पर आकर बैठे, बराबर घर में भी तत्व चर्चा करें, अन्य कोई चर्चा नहीं करें। और सौभाग्यवान कोई धर्म का उपदेश मिलता हो और हम तुमको ये कहकर नहीं बता रहे कि हम आपके बाप हैं, इसलिए कह रहे जैन शासन के गौरव की रक्षा हमारे माते हैं। जैन शासन किसी वक्ता के अथवा किसी मंदिर के अध्यक्ष आदि के बाप की ठेकेदारी थोड़ी है, ये तो तुम्हारे हमारी धरोहर है, तुम संभालो इसको। तुम्हारी क्या हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या किसी ने, तुम सब तुम ऐसा नहीं करना, तुम अरे तुम क्या करोगे, सबका अपने अपने हाथ में है गौरव की रक्षा करना। तुम कहीं भी खड़े खड़े पियोगे, कुछ भी करोगे, ऐसा चलेगा क्या? ठीक है, बहुत दूर चले गए ना, पानी के बहते बहते पहले बहते हुए द्रव्य का ज्ञान कराया आचार्य ने। किसका? और आश्रय नहीं, आश्रय लेने के लिए नहीं, कुएं का ज्ञान कराया। कुएं का ज्ञान इसलिए कराया, बोर्ड लगे रहते साइन बोर्ड, डेंजरस टर्न अहेड, वैली बिसाइड्स, तो वैली बिसाइड्स ये खाई है बगल में, ये क्यों ज्ञान करा रहे, उसमें कूदने के लिए। अरे वहां पर नहीं जाना कुतूहलवश, 420 वोल्ट्स, डोंट गो ऑन दिस रोड, वार्निंग। ज्ञान कराया जा रहा है समग्र द्रव्य का, यदि ज्ञान कराया नहीं जाएगा तो हैंडीकैप्ट हो जाएगा द्रव्य, फिर हैंडीकैप्ट विकलांग हो जाएगा और पर्याय से रहित द्रव्य की सत्ता होती ही नहीं। क्योंकि जितना सुख भोगना है वो पर्याय को ही भोगना है, जितना उद्यम हो रहा है वो पर्याय ही कर रही है, समय का अर्थ कर रहे हैं अमृत चंद्र स्वामी। स्व समय पर समय को भी एक तरफ रख दिया, पहले समय को समझाने लग गई। क्या कहा? स्व समय पर समय को भी एक तरफ रख दिया अमृतचंद्र स्वामी ने। कुनकुन स्वामी ने कहां तक लेके गए थे? समय सार का वादा करके स्व समय पर समय दिखाया, क्योंकि दिखाना तो पर्याय में ही स्थित दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी ने ठेठ समय दिखा रहे हमको। क्या ऐसा कोई समय होता है? ये समय भी ज्ञान से देखा जा सकता है, स्व समय तो आंखों से देखा जा सकता है, यह सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन समय को आंखों से थोड़ी देखा जाएगा, जैसे अभी बात आई थी, आम को आंखों से थोड़ी देखा जाएगा, आंखों से तो कोई ना कोई पर्याय देखने में आएगी, ज्ञान से अनुभवना पड़ेगा सामान्य पक्ष। समय प्लस आई इज इक्वल टू समय, समय का अर्थ क्या किया जा रहा है? सम प्लस अय इज इक्वल टू समय। सम कोई अर्थ करके दिखाएगा समय का, यहां पे आया हो तो पढ़ के नहीं, पढ़ के नहीं, बिल्कुल हम दूसरी गाथा पर खड़े हैं। आप लोग भी स्वयं को आजमाओ, हमारा अतीत कहां चला गया है? आज तक हमने 40-30-40 साल जिसने भी जितना लगाया हो धर्म के नाम पर, वो स्वयं भी आजमाए। समय का अर्थ भर पूछा है आपको, समय का अर्थ तीसरा चौथा पेज हो गई और क्या होगा, ऐसे थोड़ी कि कोई बहुत बीच का ऐसे कुछ आगे का प्रकरण, मतलब आपने तसल्ली से चार पन्ने भी नहीं पढ़े हैं भाई साहब 40 साल में। समय सार से काम हो जाएगा, काम हो जाएगा क्या होता है तत्व और सूत्र से, ठीक है ना, वो तो करना ढंग से। तुम तो ना यहाँ का हो ना वहां के हो, तुम तो समय सार के आड़ में छिपना भर जाते हो। तो कहो ना समय सर की कौन सी गाथा पर मास्टरी है, एक 415 में से एक, भाव भाषण का भी पूछ नहीं रहे हैं। समय का अर्थ सम प्लस आय इज इक्वल टू समय। सम ये उपसर्ग है, आय ये धातु है, घबराओ मत, टीका की बात कर रहा हूं, मेरी तरफ से मैं कुछ अपनी नहीं झाड़ रहा हूं। क्या अर्थ किया? देखो एक होता है जैसे शांत शब्द है, शांत, उसको हमने प्र उपसर्ग डाल दिया, प्रीफिक्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स,
इसको उपसर्ग और क्या कहते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे दान देना, उपसर्ग लगा के बात करो फटाफट, घड़ी चाहिए मुझे यहां पर, प्रदान करना। दान और प्रदान में बहुत अंतर होता है, एक सफिक्स लगाने से दान प्लस सम्मान इज इक्वल टू प्रदान। आप समझ रहे हैं क्या कहा राष्ट्रपति ने, भारत रत्न चक्र क्या कहते हैं, क्या क्या होता है उसको, क्या किया भारत रत्न को, दान किया ऐसा थोड़ी कहते हैं, प्रदान किया। मैं तो उपसर्ग की बात बता रहा हूं, सम यहां पर उपसर्ग है, उपसर्ग, और अय गतव धातु है, गतव। सुनो सुनो सब अच्छे से सुनो, घबराओ मत। धातु क्या है उसको भी थोड़ा समझाता हूं मैं। सात धातु होते हैं ना शरीर में, धातु धातु धातु। आप केमिस्ट्री में धातु पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हो, कौन से क्लास में, नाइन्थ में, धातु मेटल नॉन मेटल्स एलिमेंट्स कुछ है ऐसा कुछ है? हाँ ठीक है, लो लो भैया। धातु होते जैसे कोई धातु है, मान के चलो एक धातु बोलो, ब्रास सोना चांदी, ये धातु धातु सोना मान के चलो। अभी इस धातु से कितने ही अलग अलग उसमें मिला मिला कर अलग अलग उसके ये हो सकते कंपाउंड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अभी मुझे क्या कहना है थोड़ा समझने का प्रयास करो। धातु उसको कहते हैं जिसको धातु को थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में अथवा किसी को उसमें मिलाओ तो नए 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 उसके वो वस्तुएं पदार्थ बनती रहती है। बस समझ में आ रहा है, धातु का अर्थ कर रहे हो, धातु का जैसे वो धातु है आपके केमिस्ट्री का, जैसे ये धातु है हमारे शरीर का। यहां पर भी होता नहीं, ये धातु मिले वो धातु मिले तो कहते यूरिक एसिड बढ़ गया फला फला जो भी। यहां पर भी एक धातु है जैसे गतव धातु, गतव वो एक धातु से कई शब्द बनते हैं ऐसा नियम होता है। आपको समझने में भारी पड़ रहा है क्या? नहीं बताओ वैसे कुछ भारी हो तो। टोडर मंच ने ये लिखा अपनी अपनी बात में कि मुझे थोड़ा न्याय व्याकरण आदि का ज्ञान है, और आगे चलकर ये लिखा हम सबको थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का तो ज्ञान होना चाहिए, उसके बिना जो रहस्य समझ में आ सकता है वो नहीं आ सकता। घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है कभी, मेरी भी मदर टंग मराठी नहीं है, सॉरी हिंदी नहीं है, और मैं जब चालू किया था मेरा वैसे ही किसी ने कहा बैठ जाओ, कोई आने तक जैसे छोटे बच्चों को कहते बैठ जाओ उसी मुझे भी कहा था बैठ जाओ, और मेरी ये प्रतिज्ञा थी जब भी कोई कहेगा गद्दी पर बैठ जाओ मैं मना नहीं करूंगा। मैं ये कह क्यों कहूं, मुझे आता नहीं है बोलने में कुछ भी, ये तो वो सोचे बिठाने वाला, समझ में आ रहा है मतलब हम थोड़ी तुम मूर्ख तो तुम हो गए फिर सब। आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा आपने अच्छा नहीं किया जी, अब हमको सुना रहे हैं और ये बिठाने वाला सोचे अपनी बुद्धि पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, हम क्यों मोहफत में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और जिनवानी के सेवन का इतनी निकटता से भाव, गणधर जैसा काम है, धर्म के क्या सभा का नायक हो गए, इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर। तो मैं तो प्रारंभ में ये हुआ मेरा, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, 80-80 साल के बुढ़े भी, खनियादान भी ऐसी लोकल जगह है वहां पर कछु वन ऐसी ऐसी बातें करते हैं सब, कबू वन ऐसी ऐसी ऐसी। तो मैंने मेरा स्वाध्याय सुनते सुनते कोई अंगूठा छाप, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखने लगे, मराठी भी सीखने लगे, हालत ये हो गई। क्योंकि आप कल्पना कर सकते होंगे मुझे हिंदी मुझे भी नहीं आती थी, संस्कृत मैंने लाइफ में कभी भी नहीं पढ़ी, बाद में धर्म की रुचि होने के बाद सब हो सकता है, और कोई टीचर वीचर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये भ्रम को उखाड़ फेंक दो एक तरफ कर दो। हो तो ठीक, हो तो ठीक, नहीं हो तो तुम परेशान मत हो, ये कहना है मुझे, एलर्जिक नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वही अभी ऐसा थोड़ी उसके पीछे जीवन थोड़ी लगा सकते हैं कि उन्हें हम अभी गुरु की तलाश करने दो, पहले गुरु की तलाश कर ली जाए अच्छे से। अरे ऐसे इतना जीवन थोड़ी है,
जहां पर खड़े हो चालू करो, नहीं समझ में फिर कल पढ़ लेना, नहीं समझ में फिर शाम को पढ़ो, नहीं समझ में फिर रात को पढ़ लो, पढ़ते रहो। कोई भी शब्द की इतनी दम नहीं है, तुम उसको प्रेम भरी निगाह से नहीं देखो, देखो और वो सरेंडर नहीं करे। प्रेम से जीतने की ताकत होना चाहिए, हमारा समर्पण है यदि तो सब चीजें समझ में आएगी। प्रसंग आया है, बोल देता हूं। एक मंदिर में जाना बना 10-20 भाइयों का, एक 100 साल की बुढ़िया धवल जय धवल ग्रंथ पढ़ रही थी। पढ़ रही थी मतलब क्या कर रही होगी अब समझ में आ गया होगा आपको। तो हम में से किसी एक साथी भाई ने जाकर कहा, अरे दादी ये क्या पढ़ रही है, बुढ़ापा इसी में लगाना है क्या, समझ में भी आता है। वो बुढ़िया ये बात बोली, बेटे समझ में तो नहीं आ रहा कुछ, सोचती हूँ पहले कभी विराधना की होगी देव शास्त्र गुरु की, दूर रही होगी, पढ़ा नहीं होगा तो आज समझ में नहीं आ रहा है, आज मुझे प्रयास करने दो, मेरा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। पर ऐसा ही उज्ज्वल भविष्य कुंडेश नामक वाला ने एक बीज बोकर किया था। महिमा आना एक अद्भुत बात है, उसके लिए समय दो, महिमा लाओ। समझ में नहीं आता ये पागलपन मत करो, और कोई नहीं सुनता ये बात, कर्म के कान नहीं होते, कोई तुम्हारी फिरियाद सुनने वाला नहीं, तुम्हारी तुम्हारा महल स्वयं अपना खड़ा करना पड़ेगा, एक एक ईंट रच कर। कहां पर खड़े हैं हम, धातु गतो धातु है, जैसे गच्छति, क्या कहा, तुम संस्कृत पढ़ते हो ना तुम लोग, गच्छति मतलब वेरी गुड, जाता है, आगच्छति आता है, एक धातु का अर्थ है, एक धातु से कितने शब्द बनते हैं, गच्छति जाना, आगच्छति आना, प्रत्यागच्छति लौट कर आना, अवगच्छति जानना, धातु एक ही चल रही है। गतव धातु है, गतव धातु अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, और गतव धातु जानने के अर्थ में भी होती है, चलने के अर्थ में भी होती है। गतव धातु चलने, टू नो एंड टू गो, ये दोनों अर्थ एक ही धातु से बनते हैं। अय जो धातु है, अय ये गमन करने के अर्थ में है, यहां पर जानने के भी अर्थ में है, यहां पर समझ में आ गया क्या कहा, अय धातु यहां पर गमन करने के भी अर्थ में लेना और जानने के भी अर्थ में लेना, कुल मिलाकर समय का अर्थ अभी हम देखना है। हम पहले तो अय के दो अर्थ देख लिए, क्या देखे भाई साहब, क्या देखे अय के दो अर्थ, अय अय बहुत अच्छा संबोधन है। अय मतलब ज्ञानी, हम कहते अय बात करते हैं ये तो, चलो छोड़ो, बोलो मुझे बताओ अय के द्वार तो कौन से बताए, आप बताएंगे। पहली बेंच पर इसलिए बैठे हो कि विद्वान हो कोई, कि बहुत समझना है इसलिए बैठे हो, क्या है चक्कर, समझना ठीक है, फिर मैं पीछे वालों को पकड़ के क्या करूं, मैं किसको पकड़ू। अय के द्वार तो बताए, बोलो, चलना भी और ज्ञान करना दोनों। अभी सम का अर्थ सुनो, सम उपसर्ग है, सम का अर्थ एक ही भावे न एक रूपता से प्राप्त होना, गुण और पर्याय हो, समझ रहे आप समय का अर्थ क्या किया। आत्मा का एक अर्थ समय है, आत्मा का एक अर्थ समय है, क्यों है, क्योंकि एक तो एक रूपता से गुण पर्याय को प्राप्त होता है, एक और क्या करता है साथ साथ, जानता भी और गमन भी करता है। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आया, ध्यान रखना यहां पर गमन शब्द क्षेत्रवाची नहीं है, यहां पर गमन शब्द परिणमन के अर्थ में है। बहना दो अपेक्षा से होता है, एक काल अपेक्षा, एक क्षेत्र अपेक्षा। क्षेत्र अपेक्षा का जो बहना है उसमें निमित्त धर्म द्रव्य है, काल अपेक्षा से जो बहना है उसमें निमित्त काल द्रव्य है। कितने जन समझ रहे हैं, काल अपेक्षा बहना मतलब परिणमन। कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। एक अर्थ गमन करना, गमन मतलब क्षेत्रांतर नहीं, परिणमन, यहां पर परिणमन, इसलिए एक अर्थ परिणमन भी होता है और वो भी घूमना ही होता है। अरे घूमना ऐसा ही थोड़ी होता है, मैं आता हूं घूम के,
घूम के मतलब ऐसे थोड़ी एक क्षेत्र की बात है, घूमना ऐसे भी तो होता ही है ना, एक क्षेत्र पर रहकर। अपन कहते हैं कितना काल बह रहा है, 40 साल बीत गए, तो बह रहा है मतलब ऐसे बह रहे जैसे हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक ऐसे बह रहे, ऐसे नहीं। तो प्रत्येक द्रव्य बहता है, समझ लो आप। मैं बहुत नया था, बहुत उमंग थी तब, धर्म की रुचि जब लगी मुझे, जो स्पिरिट और जोश था, तो मुझे ये लगा इसको इस धारा में सबको लेना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को। प्रेम से बने तो प्रेम से, नहीं बने तो और कुछ आजमाना पड़े, हर प्रकार की बात आजमाई जा सकती है, लेकिन इस मार्ग में तो सबको लगाएंगे। तो फिर मैं पिताजी को लेकर थोड़ा, मैंने पिताजी को एक बार ये कहा, अपन प्रवेशिका थोड़ी रोज पढ़ा करेंगे। मुझे थोड़ी ना कुछ बहुत आता था, लेकिन एक लगन थी, जितना मुझे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था वैसे, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना भी जान। तो मैं पहले पढ़ाने लग गया, द्रव्य किसे कहते हैं, तो अपन तो साधारण इतना ही कहते हैं, गुण और पर्यायों के पिंड को, अथवा गुणों के पिंड को, अथवा पर्यायों के पिंड को, जो कहना है सो कहते हैं। तो पापा जी ने मुझे पूछा कि द्रव्य, आत्मा द्रव्य है, और ये पुद या घड़ी द्रव्य है? अरे नहीं, द्रव्य तो लिक्विड को कहते हैं। सुनो 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 सुनो, दम है दम। ये जैन शासन बहुत आगाध है, और उसको सब जो लोक का ज्ञाता है, लोक का ज्ञाता, उसको जैन शासन और अच्छे से समझ में आ सकता है। कहते द्रव्य तो वो होता है जो बहता है, बहता है। द्रव्य द्रुव धातु से बना, द्रुव, वन दैट फ्लोज, द्रुव द्रव्य। और द्रव्य ऐसे थोड़ी हो गई, ये द्रव्य थोड़ी है, ये कुछ बहता थोड़ी है। बहुत टाइम बाद जब समय का अर्थ पड़ा तो समझ में आया, हाँ प्रत्येक द्रव्य बहते हैं, लेकिन बहने का उनका ढंग अलग है। काल अपेक्षा बहने को बहना कहा जा रहा है, और काल अपेक्षा बहना मतलब परिणमन, 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 परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी। ये प्रत्येक द्रव्य का नेचर है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है, परिणमन करता है। यहां पर जोर किस पर देना है उनको? परिणमन, पहले परिणामी आत्मा को दिखाया जा रहा है। नहीं तो बार बार हम अपरिणामी अपरिणामी कहेंगे तो एक हद दिन वो पूछ ही बैठेगा ना, अपरिणामी कहते तो परिणामी भी कोई चीज है क्या? फॉलो कर रहे हैं सब मेरी बात को? ध्यान दो, 5 मिनट है अपने पास। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात कुछ कहेंगे। देखो हम कहते हैं भगवान, भगवान के कितने अर्थ हो सकते हैं? ये ऊपर बैठे भी भगवान है, अंदर बैठे भगवान तो ये सब निर्णय कर ही रहे हैं। ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, प्रसंग पड़े तो ये बद्धा भगवान छो, ये चीड़ी चीटी मकोड़ी है, ये भी भगवान है, ये चरणानुयोग के भगवान है। इनको भगवान इसलिए नहीं कहा तुम इनके पैर पड़ो, इसलिए भी नहीं कहा तुम इनका आश्रय लो। ये चरणानुयोग के भगवान है, इनको बचा कर चलो, ये भी भगवान है, ये चींटी भगवान है। उनको भगवान चरणानुयोग के भगवान नहीं है, वो भक्ति आराधना पूजन के है, अथवा आदर्श स्थान पर उनको देखकर अपना अपना काम करने के लिए, लाइक अ हैंड राइटिंग बुक, ऊपर की लाइन लिखी रहती है नीचे, वैसा ही हम ट्राई करते हैं, मिटाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, मिटाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। ये हैंड राइटिंग के ऊपर बोल्ड लाइन है, हम यहाँ पर ट्राई करते हैं बराबर, रोजाना ये ट्रायल चलता रहता है, समझ में आया? ये भगवान आश्रय के है, ये भक्ति पूजन के नहीं है। वेदी में विराजमान की भक्ति पूजन होती है, इसकी भक्ति पूजन नहीं होती, ना उसकी होती है। चरणानियों के भगवान अलग, भक्ति पूजन के भगवान अलग, आश्रय के भगवान अलग, नाम है एक भगवान, समझ में आता है? उसी प्रकार कहेंगे आत्मा। एक प्रसिद्ध उदाहरण है साहब, एक लड़का चाहिए हमको, क्या चाहिए? लड़का चाहिए तो एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, लड़का चाहिए ठीक है दे देंगे, लेकिन लड़का चाहिए मतलब क्या चाहिए? आपकी गुड़िया के लिए लड़का चाहिए, एक घर में पोछा लगाने के लिए लड़का चाहिए, लड़का चाहिए मतलब क्या चाहिए तुमको?
कि गोद लेना है, तुम चाहते क्या? सबका नाम लड़का है, अब समझ रहे हैं। अभी आत्मा प्रमाण का विषय, द्रव्य गुण पर्यात्मक जो वस्तु है, जो राग द्वेष से परिणमित हुई है, जो वितराग भाव से परिणमित हुई है, उसको भी कहते हैं आत्मा, आप समझो। और जो ध्रुव है, ध्रुव त्रिकाली, जो अपरिणामी अंश है, जो मात्र सुवर्णत्व मुख्य किया गया था सामान्य अंश ज्ञान के द्वारा, उसी प्रकार परिणमते आत्मा के बीच में पर्याय को गौण करके त्रिकाली ध्रुव को मुख्य किया, उसको भी आत्मा कहते हैं, उसको भी द्रव्य कहते हैं, जबकि वो है द्रव्य का अंश, जबकि वो है ध्रुव और कहते हो उसको द्रव्य। कितने जन समझ रहे हैं बात को, कोई फॉलो कर रहा है? ओके, मैं जल्दी कह रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये भी मैं जानता हूं। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्य दृष्टि विनेश्वर, एक पुस्तक आपने हेडिंग देखी होगी। द्रव्य दृष्टि मतलब वहां पर द्रव्य का अर्थ क्या लेंगे, द्रव्य मतलब ध्रुव, ध्रुव है सब, ये तो द्रव्य का एक अंश है ध्रुव, और जैसे पर्याय कांच है वैसे ध्रुव अंश है, तो इसको द्रव्य कैसे बोला? क्योंकि हमारे प्रयोजन की पूरी सिद्धि इससे होती है, इसलिए यह हमारे लिए द्रव्य है। अब समझ में आ गया? दोस्त के घर गया, माँ ने पानी लाया पीने को, अपन तो किसी दूसरों के घर पानी पीते ही नहीं है, हम मंगलायतन में रहते हैं, मेरी बच्ची ने आज तक विद्वानों के घर में भी पानी नहीं पिया है, नहीं पी सकते, हम किसी पर विश्वास नहीं करते, समझ में आया? और एक बार हम इंस्पेक्शन करेंगे तुम्हारे घर पर आकर, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी, सुधार तो तुम्हें करना नहीं है, हमें अपने चलने दो, हमको बिगड़ो मत। आज हम पानी नहीं पिला सकते किसी को, आरोग्य पानी है तुम्हारे, आप समझ रहे क्या? पानी नहीं पिला सकते तुम, भोजन की बात करता है, पानी भी अभी उद्दिष्ट कराना पड़ेगा हमको। उद्दिष्ट क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा होती है क्या? जानते हैं आप? कौन जाने इसको। कहां तक आया भैया? कुछ कह रहा था, जल्दी ध्रुव 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 सब पानी लेंगे, पानी तो अपने को किसी का नहीं चल सकता। तो मैंने दोस्त को बाद में पूछा, क्यों ये तो एक ही मेंबर दिख रहे हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे भाई का है, तुम्हारे बहन का है, और तुम्हारे पापा का है, पापा नहीं दिख रहे, 2 घंटे हो गए, पापा कहाँ है? तो पापा नहीं जानते, बोले ये है, ये मेरे पापा है, बोले ये तो मम्मी है, यही मेरे पापा है, यही मेरे बड़े भैया है, और यही मेरी बहन है, ये मेरे लिए सब कुछ है, जब से मेरे पिताजी गुजर गए हैं इसने अपने दम पर मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, ये मेरे लिए सब कुछ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे प्रयोजन की सिद्धि जिनसे होती है वो हमारे लिए सब कुछ है, पकड़ रहे हैं आप? आपके सचिन जी हमारे लिए सब कुछ है, कौन ट्रस्टियन कौन क्या, हमें क्या मतलब है? एक एक चीज के लिए वे अटेंड करते हैं, समझते सब, कोई कमी हो बताओ, कोई बात हो तो बताओ, आप भी कर दो, हमें क्या मतलब है फिर, और कौन कौन क्या क्या है? चुपचाप अपना अपना काम करना है, हमारा काम ये है, आप समझ रहे हैं? हमारे पूरे प्रयोजन किसी भी ध्रुव से होते हैं, इसलिए ध्रुव ही हमारे लिए द्रव्य है, इसलिए उसको भी द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का अंश होगा लेकिन वह ऐसा अंश है जिसका आश्रय लेकर हमारे पूर्ण कार्य की सिद्धि होती है, वो तो हमारे लिए अंश ही है, सब कुछ है वो हमारे लिए, वो विकलांग नहीं है, सब कुछ है, आप समझ रहे हैं? आत्मा भी कई तरह की है, यहाँ पर परिणामी आत्मा दिखाई जाएगी, और उसको भी आत्मा कहते हैं, उसको भी द्रव्य कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव को, कहां पर कौन सा लेना समझना चाहिए, यह ज्ञान कराया जा रहा है, आश्रय नहीं करना है, फंसना नहीं, प्रमाण के बाहर निकलना नहीं, बात को भूल करो, प्रमाण के बाहर निकलना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण का विषय समझ में आने पर परम शुद्ध निश्चय ने जो सिंहासन पर बैठे हैं इससे बाहर खड़ा रहना नहीं, राज दरबार की कल्पना कर रहा हूं मैं, राज दरबार के बाहर खड़ा रहना नहीं, और राज दरबार में आने पर भी चाहे जिसके सामने हाथ खड़ा करना नहीं, जोड़ना नहीं, वो जो सिंहासन पर सबके सामने दिखते हैं डायरेक्ट जाकर वहां पर अपनी समस्या कहना, यहां वहां नहीं, समझ में आता है? दरबार के बाहर रहने से काम होगा नहीं, अंदर जाकर भी यहां वहां नहीं, वो जो मुख्य अंश है, दिस इज सब कुछ फॉर मी, ये राज्य है मेरे लिए, जो गांव पति को
सोहि दुखे दुख कोय, तुम तीन भुवन के स्वामी, मेटो भुवन का भगवान हमारे लिए सब कुछ है। एक बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं, उसको दुनिया से क्या मतलब है। कल